Now no more movements here. अरे क्या कंफ्यूजन हो रहा है, सब लोग साइलेंट हो जाओ. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. जी 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 कौन सा लास्ट सीलिंग मतलब ग्लास सीलिंग. अच्छा 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 हाँ या या Well, it's a time of change. I think a lot of things are changing, and that is how life is. I think that is how humanity is. We constantly struggle to try and get better. Yeah. So Sure. Mm. So where do you think, like, you know, a girl's friend and a boy's friend, these are where does it stand? I don't look at girls and boys differently like this. I think, you know, we're all human beings. And each one of us individually has our own strengths and weaknesses. I don't look at this differentiation between boys and girls. Aamir, she spoke about the glass ceiling, just taking off from there. We've not spoken to you since Trump won. How did you feel about the American elections results? Long complicated questions. हम लोग आज चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं. Let's stay in this area. हाँ, this boy wants to ask something. Sit down. Yeah, yeah, yeah. In the film, I want to make the children pehlwans. Why? Because in the movie, I have a dream. के My dream was कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं. ये मेरा सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाया. तो मेरी जो बच्चियां हैं वो ये सपना पूरा करती हैं. क्या आप मुझे मोटा बोल रहे हैं? हाय आमिर. बड़े पोलाइट हैं आप. हाय आमिर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. मैं जानना चाहूंगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं. आपने रियल लाइफ में अपने बच्चों से क्या सीखा, और जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो रियल बच्चे हैं जो फिल्म में आपके बच्चे बने, उनसे कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसी अंडरलाइन कर सके आप कोई बात? इनसे तो बदमाशी मुझे सीखने को मिली, बहुत बदमाश हैं ये दोनों. और वैसे बच्चों से तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, हर रोज हम सीखते हैं बच्चों से. उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो उनका इनोसेंस है, जो उनका जहन है, किस तरह वो सोचते हैं. सो या यू लर्न एवरी डे फ्रॉम योर चिल्ड्रन. अच्छा, एक सवाल छोटा सा और. अभी हालांकि आपने छोटा सा जवाब दिया है कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं हो रही इन दिनों, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन है उसको लेकर कोई आपकी सीरियस राय होगी कि चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन है ये? नहीं, चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन पे रखते हैं हम लोग आज. हाँ, इन द ट्रेलर. हाँ 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 एक्चुअली मैं आपको या जब कहानी हम लोग ने सुनी और हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये थी कि जो बच्चियां हैं फिल्म के अंदर, हमको वो बहुत ही कमाल की लड़कियां चुननी है जो मेरी डॉटर्स प्ले करेंगी, क्योंकि कहानी इतनी उन पर डिपेंडेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फिल्म में. तो अगर हमको लड़कियां बच्चियां सही नहीं मिलती तो हम ये फिल्म नहीं बना पाते. तो करीबन हमको 8 महीने लगे सर कास्टिंग में. हाँ, करीबन 8 महीने लगे हम लोगों को कास्टिंग में. और देश भर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी टीम्स दौड़ाई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हर जगह हमारी टीम्स गई कास्टिंग के लिए. और बहुत ही मतलब मेहनत के बाद हमें ये 4 हीरे मिले हम लोगों को. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज होगा.
हाँ हमारे ऑडिशंस 3 महीने चले, फिर उसके बाद लड़कियां चुनी गईं, फिर उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई 2 हफ्ते, ये देखने के लिए कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। रेसलिंग इजी नहीं होती, तो एक्टिंग तो अच्छी कर लेती हैं, रेसलिंग कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस था हमारा कास्टिंग का, और उसकी वजह ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि इनका सही होना बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी था। सो वी वर वेरी लकी टू फाइंड दीज 4 गर्ल्स, जायरा, सुहानी एंड फातिमा एंड सानिया, ऑल 4 ऑफ देम, दे हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क। मतलब अगर मैं अपने काम को रेट करूं तो इन्होंने मुझसे 10 गुना बेहतर काम किया है, और मैं 25 सालों से काम कर रहा हूं, ये उनकी पहली फिल्म है। ओके जायरा, कितना कितना प्राउड मोमेंट है, मोमेंट था द मोमेंट यू केम टू नो? अच्छा उनको लौटने दो यार, बेचारी 2 सेकंड रुक जाओ। अरे यहाँ यहाँ बीच में से थोड़ा जगह देना। पुड़े या पुड़े या। कम कम प्लीज कम प्लीज कम सिट हियर। श्वेता जी आइए। हाँ जोई जी, जोईता जी यहाँ यहाँ बैठी, यहाँ बैठी। जगह नहीं है ना, बिल्कुल जगह नहीं है। अरे उठ के जाऊंगा कहाँ? आप लोग बाहर क्या कर रहे थे? कैसे बैठे? कैसे बैठे? वहाँ जाएगा बताओ। ओह अच्छा। Anybody wants to come here in the front? अरे बीच में गैप छोड़ा ना यार, अरे गैप छोड़ा। कोई नहीं यार, इधर आ, इधर आ, खड़ो के देख ले यार, देख लिया बहुत देख। ओ योर डॉटर, हेलो। हाँ जायरा, हाँ जायरा को कोई पूछ रहा था? यस यस हियर आमिर सर, हियर ऑन योर। हाँ या 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 जायरा और सुहानी आप दोनों से जानना चाहूंगा, यू नो जैसे आमिर आमिर साहब ने बताया इतना लंबा प्रोसेस, पूरी जगह ऑल ओवर इंडिया यू नो कास्टिंग के लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे जो ये किरदार निभा सके। जब आप दोनों को ये पहली बार पता चला, यू नो गॉट अ गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस कंफर्मिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड हाउ योर फैमिली रिस्पोंडेड टू दिस? आई टेल यू व्हाट माय मदर सेड टू मी। आई गॉट बैक फ्रॉम स्कूल एंड दिस इज बिफोर आई हैड गॉन फॉर द ऑडिशन। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग पीपल and they called ke aise ek movie hai uske audition hai and I didn't know any of this and I came back home from school and as I enter the room I see my mother sitting in front of me and she's just looking at me, she's not saying anything, she's just looking at me like this okay so the one who casted us he's Mukesh Chhabra so she told me that someone from his office called and I was like okay Then she was like, audition ke liye bhula hai. Like, okay. Then she said, Aamir Khan ke saath movie hai. And again, she gave me this look. Do you deserve this? And I was taken aback for a while. And it took me some time to come to the fact, okay, fine, I have been called. So I went there. And as I entered the room, I see people. I saw some 20 or some other, I don't know, A lot of girls were sitting there and I was like nahi ho payega koi chance nahi hai but somehow maine audition diya wo bahut lamba chala aur fir I got back home uske kuch ek do mahine tak koi call nahi aaya and I had given up
कि कुछ नहीं होने वाला है बट व्हेन दे एक्चुअली कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट ओके फाइन यू आर द वन वी हैव कास्टेड आई आस्क्ड देम 5 times आर यू श्योर हैव आई बीन शॉर्टलिस्टेड और हैव आई बीन एक्चुअली कास्टेड फॉर दिस सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगन सुहानी So actually, first I gave an audition in Delhi because I am from Delhi. So I gave an audition there. So after that, when I came out, my mother said, "Kaisa hua?" मैंने बोला, मम्मा, मैंने अपना best दे दिया, बस बाकी तो सब भगवान के ऊपर है. And then my mother was regularly asking father. कि कॉल आया देन वन डे सीरियसली द प्रोडक्शन गाय कॉल्ड एंड ही सेड योर डॉटर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू हैव टू गो टू बॉम्बे एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वाज सो हैप्पी आई थैंक टू गॉड एंड आई वाज रियली हैप्पी एंड देन वी हैड some scenes with Aamir sir at Mukesh Chhabra's office so there also I was really excited and I was really like I had never worked with someone so perfectionist and so much so much of skill and beta kar kar diya sir nahi but it was very difficult so now actually then they finally told that you have been casted to this and it's an honor and it's a pleasure working with such a great actor thank you dekha to aunty aaiye ye aapko bhi dikhayenge utha ke aamir aapke bachpan ka naam kya tha nickname kya tha mera ammu ha lekin ammu mujhe bahut kam log bolte the मेरी ग्रैंडमदर मुझे अम्मू बोलती थी और ज्यादातर जैसे अम्मी जो है वो मुझे आमिर ही बोलती थी बहुत सॉरी मतलब मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई है ये दोनों कभी नहीं कहा मैंने समझ गया आप जवाब मिल गया आपको जवाब मिल गया आपको एक्चुअली कुश्ती जो है वो बहुत ही एक पुराना खेल है बहुत ही हिंदुस्तान में ये सदियों से चला आ रहा है और इसलिए इतना लोकप्रिय है लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं इस खेल के साथ तो हमें खुशी है कि हमें इस पे एक फिल्म करने का मौका मिला है और वो जो एक बिरादरी है पहलवानों की उसमें भी हम एक छोटे तरीके से हमारी भी एंट्री हुई है उसमें okay, आमिर, Yeah, Vasni from IVN 7. So that my question is कि जैसे movie में ये दिखाया है कि आपने अपना सपना अपने बच्चों के through पूरा किया वो आपका movie में पूरा वो था but in real life अगर मैं आपसे पूछूँ जो parents चाहते हैं कि उनका सपना वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं और वो बच्चे नहीं पूरा कर पाते वो जबरदस्ती थोपते तो आपका इस पर क्या टेक है नहीं मैं ऐसे believe नहीं करता हूँ मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनके सपने अपने अपने होने चाहिए और हर बच्चा जो है उसका सपना जो है वो खास होता है हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको ये मैं मानता हूँ लेकिन कहानी मेरे बार ऊपर नहीं है नहीं उस वक्त समझ नहीं होती लेकिन वो अपना टटोलते हैं और हम उनको सपोर्ट करें धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं रास्ता ढूंढ लेते हैं हम उनको हेल्प करें रास्ता ढूंढने में ना कि उनके लिए हम रास्ता चुने आपने अपना ये मेरा पर्सनल मानना है हाँ.
बच्चों पे हाँ कम फिल्में तो बनती हैं, इतनी नहीं बनती ज्यादातर. क्या लगता है सर? Actually, there are very little films, very less number of films which get made on kids. And even for kids? For kids, yes, for sure. I mean, you can really count them on your fingers. मुझे लगता है हाँ ये मतलब मुझे मुझे खुशी होती है अगर हम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा फिल्में बनाएं बच्चों के लिए और बच्चों के ऊपर. अभी जो बच्चे जो हमारी फिल्में देखते हैं वो एक्चुअली उनके लिए नहीं होती. वो बहुत सारी फिल्में होती हैं जो उनके लिए सही नहीं होती हैं, लेकिन अब देख लेते हैं और कोई फिल्म बच्चों के लिए खास बनती नहीं हमारे यहाँ इतनी. तो मुझे खुशी होगी अगर ये हम ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं जो जिसको हम फैमिली फिल्म बोलते हैं. जैसे अभी दंगल है, इट्स अ फैमिली फिल्म. यू नो योर चिल्ड्रेन कैन कम एट एनी एज एंड वॉच द फिल्म. तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए. पता नहीं क्योंकि हमने तो हिंदुस्तान के लिए फिल्म बनाई है, इतना मैंने सोचा नहीं विदेश के बारे में. आमिर जस्ट रीसेंट आई डोंट थिंक कि सिर्फ एनी स्टोरी व्हिच हैज अ यूनिवर्सल अपील आई थिंक शुड अपील टू पीपल ग्लोबली. हां आई थिंक सो. इट्स नॉट रियली दैट फिल्म जब अच्छी होती है तो फिर वो उसका yeah. कोई लैंग्वेज उसकी नहीं होती. हां क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं बनी ना. लगान अच्छी फिल्म थी, 15 साल पहले थी, बुरी फिल्म नहीं थी लगान. आमिर जस्ट रिसेंटली ड्यूरिंग द काबुल दिस थिंग ट्रेलर लॉन्च राकेश रोशन वाज ऑल प्रेजेस फॉर यू एंड ही वाज सेइंग कि आजकल ट्रेलर ऐसे बनते हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर देख के स्टोरी समझ में आ जाता है. तो इस बारे में आपको वेल आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ राकेश जी फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म. एंड इनफैक्ट उनकी पहली फिल्म मेरे फादर के लिए थी जो उन्होंने की थी, मदहोश उस था उसका नाम था. तो मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको ये ट्रेलर इतना पसंद आया. एंड ही इज़ अ वेरी लवली एंड वार्म पर्सन. एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो सॉ द ट्रेलर ऑफ काबिल एंड आई लाइक इट वेरी मच. आई कॉल्ड अप रितिक ऑल्सो एंड टोल्ड हिम आई रियली लाइक द ट्रेलर ऑफ दैट. मगर क्या आप ये मानते हैं कि ट्रेलर इसी तरह होना चाहिए जिससे मतलब एक माइंड सेट हो जाना चाहिए, ऑडियंस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम इन यू नो विद दैट. या आई थिंक ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए. वो एक पहली झलक होती है ऑडियंस को कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, उनका जो मन है वो बनता है फिल्म देखने का नहीं देखने का. तो ट्रेलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है हमारी मार्केटिंग में, फर्स्ट स्टेप होता है. And is the most important step. Okay, मेरा सवाल नितेश जी और आमिर साहब दोनों से है. हाल में ही मतलब आप हम कितना भी नज़रअंदाज करना चाहें लेकिन नहीं कर सकते. फिल्मों के लिहाज से भी, फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से, फिल्म मेकिंग के लिहाज से, रिलीज के लिहाज से, हाल ही में फिल्म रिलीज हुई रॉक ऑन और जिस तरह से पैसों को लेके, 1000 और 500 के नोट को लेके जो चल रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट हुआ. आपकी फिल्म 23 नवंबर को रिलीज हो रही है, यकीनन तब तक सब कुछ शायद लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए. डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? December. Do you think it's a good sign? Tension especially for the production. लगा यार release हो रही है. अभी mixing बाकी है, editing बाकी है. आप क्या कहना चाहेंगे? What's your take on that, sir? देखिए ये तो अभी this is a one-off incident. इसका हम क्या कह सकते हैं? It's a one-off incident. But you know it'll help. No, there are 6 songs. हाँ, जैसे 6 गाने हैं फिल्म के. वो तो आपको पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे. दैट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन विल डिसाइड. मैं इस सब में जाता नहीं हूं. व्हाट एवर दे डिसाइड. आमिर हाय नीते, लेट हिम कंप्लीट एटलीस्ट यार. लेट हिम कंप्लीट सर. डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? यू नो यकीनन सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा जब तक फिल्म रिलीज पे आएगी. इवन आई वांट यू टू रिस्पोंड ऑन दिस. आई विल पास द क्वेश्चन ऑन टू नितेश जी, बट बिफोर दैट आई विल से ओनली दिस मच दैट आई थिंक ये जो इश्यूज है ना कि देश के लिए क्या सही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए. जो चीज़ हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए. फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो वो छोटी बात है. आमिर नितेश जी, योर रिस्पॉन्ड ऑन दिस. सी लाइक व्हाट सर सेड, यू नो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर गोइंग टू मेक देयर ओन प्रायोरिटीज. यू नो
And at this point of time, you know, they are making their own priorities. So if it is bound to affect certain things, it is bound to benefit certain things, you know, and we should look at a larger picture is what I would say. Aamir, hi, Karmic here from iCarmic.com. That would be the last question. Yeah, that would be the last question. Thank you. On your right, hi. Where's Karthik? Karmic. Karmic here? So we'll take one last question because I have a flight to catch. Yeah. Okay, no problem. And I want to take photos with the kids. Okay. Before perfect. I go. Okay, great. Aamir, you know, when everyone saw the trailer... When everyone saw the trailer, ये दो बच्चियाँ जो हैं, वो दो लड़कों को बहुत मारती हैं उसमें, ठीक है? और मार मार के इतना मार देती हैं कि आप उनको रेसलर बना देते हैं। Now there are my nephews who are one is 7 and one is 5. उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं भी सबको मारूंगा। तो मुझे आप ये बताइए कि I understand your message, but you know children they are very sublime. What is it that you want to say to the entire kids who are your fan, that entire generation who might be taking this in the wrong way? No, they won't. When they see the film, they won't, because trailer is only giving you a very bit piece of the communication. So when you see the entire film, I don't think that will be the take home. The take home will be that, which is a central thought of the film, which is that a girl is no lesser than a boy. So we should not distinguish and create differences between girls and boys. That's the central message, really. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Acha, abhi photo kaise lenge? Ek de baith, ye baith. Thamma. Don minute. Mala 2 minute de. Mi karto. 2 minute. No. What I'm going to do is, I'm going to tell you what I'm going to do. अरे सुन तो लो यार. बच्चे अभी नहीं चाहिए. पहले मैं आप लोगों को फोटो दूंगा, उसके बाद ये सेंट्रल का जो आइल है आप लोग सब खाली करेंगे, यहां से हम नीचे जाके खड़े होंगे. एंड आई वांट ईच फैमिली टू कम एंड टेक अ फोटो, बिकॉज यहां केओस होएगा. सो वी विल गो एंड स्टैंड आउट इन अ प्लेस वेयर दे कैन कम इन वन लाइन, टेक अ फोटो एंड गो आराम से. ओके, सो एवरीवन रिमेन इन योर सीट्स. बच्चों सीट में रहना, फोटो में 100% दूंगा तुम लोगों, टेंशन मत लेना. आपको ये चेयर चाहिए नहीं चाहिए? चेयर हटाओ. One more left. Thank you. Madam, thank you. Thank you.